स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। यूपी की राजधानी लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मौके पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूद रहे। दरअसल आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जेपी एनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर दाखिल हुए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्या अर्पण किया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया था। गेट फांद कर कोई न जा पाए, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी थी। एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश को जेपी एनआईसी में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं जेपी एनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस बीच मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे और गेट फांद कर जेपी एनआईसी के अंदर चले गए। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनके नाम पर बने जेपी एनआईसी पर ताला लगाना अत्यंत निंदनीय है। पहले तो इस नाकारा सरकार ने लखनऊ में बने जेपी एनआईसी जैसे विकास कार्य को बर्बाद किया, अब उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण न करने देना महापुरुषों के विरुद्ध विचारधारा को दर्शाता है। बेहद शर्मनाक है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।